आज चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब टॉपिक है, क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा क्विक रहना, तो कोशिश करेंगे आज ही इसको खत्म करते, कल कुछ नया देखें। और क्या, और तो खत्म हो गया, असाइनमेंट हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब देखो जैसे हमने लिखा कमल हैज डन द वर्क, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अब समझने वाली बात यहां पर है कि अगर ये स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क क्यों इसे रखा है? वो एक्चुअल में जो हम यहां पे लिखेंगे उसके लिए, यहां पर जो हम लिखेंगे ना वो क्वेश्चन टैग होगा। तो जो स्टेटमेंट होते हैं और क्वेश्चन टैग होता है उसको मतलब सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। जो कॉमा है ना वो सेपरेटर का काम कर रहा है कि मतलब इधर वाला पार्ट कुछ और है, उधर वाला कुछ और है। जो उधर वाला है ना उसी के लिए क्वेश्चन यूज हुआ है। कमल हैज डन द वर्क स्टेटमेंट हो गया। अब उसका हमें क्वेश्चन टैग लिखना है, क्या लिखें? हैजंट ही, हैजंट ही के अलावा दूसरा और कौन सा ऑप्शन है कि जो वो भी आंसर हो सकता है? जैसे हैजंट ही तो हो गया आंसर, दूसरा क्या है कि वो भी आंसर हो सकता है? हैजंट ही ना लिख के चाहे तो उसे भी लिख सकते हैं, वुड ही। और तीसरा, एक तो हैजंट ही हो गया, एक बच्चा बता रहा वुड ही हो सकता है, तीसरा डजंट ही, ठीक है ना, डजंट ही हो सकता है, फोर्थ वुड ही हो गया, हैजंट ही हो गया, डजंट ही हो गया, और क्या सकता है, क्या सकता था? अबे पगलो, एक ही आ सकता है, वो हैजंट ही, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। किसी भी एक स्टेटमेंट का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन टैग होता है, मल्टीपल क्वेश्चन टैग्स नहीं होते हैं। कुछ के होते हैं वो आगे भी बता दूंगा, लेकिन वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ना, हर एक असर्टिव सेंटेंस का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन टैग होता है, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। अगर हम हैजंट ही के अलावा कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कि हैज ही, हैजंट कमल, डजंट ही, कुछ भी, वो सब गलत है। तो किसी भी स्टेटमेंट का एक सिंगल क्वेश्चन टैग ही होता है, वो स्पेसिफिक होता है। उसके अलावा अगर हम कुछ भी लिखे ना तो गलत हो जाएगा। पेपर में कई बार आते हैं क्वेश्चन इसमें। सबसे पहले समझ लीजिए क्वेश्चन टैग है क्या। इट इज अ मिनी क्वेश्चन। ये कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं होता जो हम इंट्रोगेशन के लिए किसी से पूछते हैं, वैसा नहीं होता है। इट इज अ मिनी क्वेश्चन दैट फॉलोज अ स्टेटमेंट, जो किसी स्टेटमेंट को फॉलो करता है एंड इज आस्क्ड टू गेट रेस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर। स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैगिंग मिनी क्वेश्चन होता है जो किसी स्टेटमेंट को फॉलो करता है और ये लिसनर से रिस्पॉन्स लेने के लिए पूछा जाता है। मान लो हमने लिसनर को कोई बात बताई, अब हम चाहते हैं कि वो हमारे उस स्टेटमेंट को जो हमने उसे बताया है रिस्पॉन्ड करे, तो हम उससे एक मिनी क्वेश्चन पूछ देते हैं जिसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। हाँ बच्चे, एंड इज आस्क्ड टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर। यहाँ पे शोरूम है क्या मोबाइल का? 1 2 3 4 5 6 सारे किस्त जमा करवा दूंगा मैं, ये खुद ही लेता जाऊंगा, कहाँ जमा करवाऊंगा। क्वेश्चन टैग्स को लेकर क्या क्या यूजेस हैं वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एक एग्जांपल है ना, इससे देखिए ये समझिएगा, अ क्वेश्चन टैग कैन हैव ओनली प्रोनाउंस एंड हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउंस एंड हेल्पिंग वर्ब। कि जब हम कोई क्वेश्चन टैग फ्रेम करते हैं ना, तो उस क्वेश्चन टैग में केवल प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब से यूज किए जाते हैं। मतलब कोई नाउन नहीं, कोई एडजेक्टिव नहीं, कोई आर्टिकल नहीं, कोई कंजंक्शन नहीं, कोई डिटरमिनेंट नहीं, कोई सिंपली बस प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस में हमने
स्टेटमेंट में हमने कोई नाउन लिख रखा है तो उसको भी नहीं लिखेंगे, उसकी जगह जो भी अकॉर्डिंग मतलब जो भी रिलेवेंट प्रोनाउन होगा वो लिखेंगे। जैसे कमल यहाँ पे लिखा था तो हमने कमल के लिए ही लिख दिया, कमला लिखा होता तो हम सी लिख देते, कमल या कमला लिखा होता तो हम दे लिख देते, लेकिन लिखते प्रोनाउन। एक तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब के अलावा कुछ नहीं। दूसरा, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है एंड वाइस वर्सा, और उसका रिवर्स, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो इसीलिए हैजंट ही के अलावा बाकी कुछ नहीं लिख पाएंगे, तो हैजंट ही बनेगा, बाकी सब गलत जाएगा। A question tag can have only pronouns and helping verbs. And if the statement is negative, the question tag is positive. एंड लिखा गया, एंड लिखा है अबे एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब इसका रिवर्स, जो बोल रहे हैं ना उसका रिवर्स, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अगला स्टेटमेंट देखो बेटा, तूने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं तेरे से पूछूंगा। चला एक सेंटेंस मैंने लिखा, द मैन कट हिज फिंगर एक्सीडेंटली, सेकंड द चिल्ड्रन भांग का क्या होगा सभी इतना साफ लिख रहा हूं, इतना मोती सा अक्षर बना रहा हूं। बेटा इन दोनों सेंटेंस के क्वेश्चन टैग तुझे बताएं, मैं यहां से पहले से बता देता हूं यहां पे परेशानी क्या हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा कि जो क्वेश्चन टैग होते हैं उसमें हम केवल हेल्पिंग वर्ब्स और प्रोनाउन यूज करते हैं, खैर प्रोनाउन तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमने लिखी नहीं, डायरेक्ट वर्ब लिख रखी है। एक चीज बता, ठीक है, क्या कोई ऐसा टेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना होती हो? पड़ोसी कौन सा? कौन सा होता है, कौन सा ऐसा टेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ड नहीं होती? ये तो कह रहा कि नहीं होता, जल्दी होता जल्दी। आई नो यू, हाँ, तो कौन सा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ड नहीं है? अबे आगे बोलेगा अब फिर वही कह दूं जो मन में आ रहा है। देखो एक चीज यहां पे समझ लो, जैसे कई बार हमें ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ड नहीं होगी, तो मैं आपको जो बात पूछ रहा हूं ना कि कोई ऐसा टेंस ध्यान करो जिसमें हेल्पिंग वर्ड ना होती हो, अगर तुम्हें कोई टेंस समझ में आ गया कि उसमें हेल्पिंग वर्ड नहीं होती तो तुम गलत हो, हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ड होती ही है। सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ड ना हो, अब जैसे हमारे सामने दो सेंटेंस लिखा है इसमें हेल्पिंग वर्ड नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई टेंस और उसमें हेल्पिंग वर्ड ना हो। तो बजाय कि सेंटेंस पे स्ट्रेस करने के या कोई तुक्का मारने के, तुम एक बार टेंस पता कर लो, टेंस पता करोगे तो हेल्पिंग वर्ड पता चल जाएगी। जैसे इस बच्चे ने अभी डज कहा, डज नॉट ही, अब ये देखो पागल था, यहाँ वापस ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना कट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ड हो गई डिड, तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या बन जाएगा? डिडंट ही। अब बजाय कि हम हैजंट ही लिख दें, काइंड ही लिख दें, वॉन्ट ही लिख दें, तुक्का मारने से अपने टेंस पता कर लो, टेंस से पता चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है। अब उन्होंने लिखा द चिल्ड्रन सॉ एन एलिफेंट इन द जू, ठीक है, डेंट दें, द
तो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना वो ये कि ऐसा कोई टेंस होता नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ड ना हो। कई बार ऐसे हमें सेंटेंसेस मिल जाते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ड ना हो, तो जब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ड पता करनी पड़े तो टेंस को पहचानो। टेंस से पता चल जाता है कि वर्ब के जो फॉर्म है उससे टेंस जान जाओगे, टेंस हेल्पिंग वर्ड जान जाओगे। इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस स्टेटमेंट, अगर कभी ऐसा हो कि स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो आप क्या कीजिए, यूज डू डज और डिड। तो वहां पे डू डज डिड यूज कीजिए। यही तीन ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में कई बार अवॉइड करते हैं, बाकी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा लिखी जाएगी। तो अगर कोई सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई पड़ रही है तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक है। इसको भी देखो थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है डू। अगर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब है डज, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसे बंद कर ले, ये ले, ये ले, ये ले। यहां पे इतना तोड़ मत दियो, समझा? टेंशन में तू मेरा नुकसान कर दे। बेस फॉर्म लिखी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब डू, सिंगुलर फॉर्म लिखी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब डज, सेकंड फॉर्म लिखी है तो हेल्पिंग वर्ब डिड। तो अगर कभी कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें हेल्पिंग वर्ड ना हो तो बजा के तुक्का मारने के ये देख लेना कि वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या पास्ट इंडेफिनिट का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लिख लेना। पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लिख लेना। और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। फ्यू पीपल believe this story, they seldom put off, put off का मतलब क्या होता है, टालना, टालना होता है। फ्रेजल वर्ब्स में पढ़ा भी देंगे बाकी तब तक याद रखना। they seldom put off their programs, किस किस टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके क्वेश्चन टैग पूछे जाते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें देखते जाना। आसान टॉपिक होता है लेकिन क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही। फ्यू पीपल बिलीव दिस स्टोरी एंड दे सेल्डम पुट ऑफ देयर प्रोग्राम्स। सबसे पहले स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डोंट दे, सही है। पढ़ाने का फिर फायदा क्या निकला, फ्यू लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव भाई। फ्यू लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट नोबडी बिलीव दिस स्टोरी। तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो हमारा है वो भले ही देखने में नेगेटिव ना हो लेकिन इसका सेंस तो नेगेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव होगा। अब बिलीव वर्ब की बेस फॉर्म लिखी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डू, डू दे, तो हम लिख देंगे डू दे। They seldom put off their programs. थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो गया, एक से ज्यादा ये put off है ना, इसको हम क्या माने, सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म? भाई देखो अगर यहाँ पे ही लिखा होता, सी लिखा होता तब तो हम सेकेंड फॉर्म मान लेते, दे लिखा हुआ तो कुछ भी मानो सही है भाई, थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता है, बाकी फर्स्ट भी हो सकता है सेकेंड भी हो सकता है। तो इस तरीके के केसेज में ना रिजिड नहीं होना अपना, मतलब फ्लेक्सीबिलिटी के साथ में जो लिखा है फिर वही सही है। अगर यहाँ पे हम डिंट लिख दें तो भी सही है, मतलब डिंट तो घर नहीं लिख पाएंगे, डिड लिख दें तो भी सही है, डू लिख दें तो भी सही है। तो इस तरीके के सिचुएशन में कुछ भी लिखो, चाहे डू दे लिखो चाहे डिड दे लिखो, ना कि ये जो हमारे दिमाग में है हम वही सही मानेंगे, कुछ भी सही हो सकता है, किसी को भी जस्टिफाई किया जा सकता है। हाँ तो यहाँ पे जो समझना था हमें, खैर वो ये था कि अगर हम किसी सेंटेंस में सेल्डम लिख दें, लिटिल लिख दें, फ्यू लिख दें, हार्डली वेयरली स्केसली रेयरली ये लिख दें तो भले ही वो सेंटेंस हमें देखने में नेगेटिव ना लगे लेकिन वो होता नेगेटिव है, तो फिर क्वेश्चन को पॉजिटिव रखना पड़ता है। अब फिर होता तो पॉजिटिव होता, तो दे सेल्डम पुट ऑफ देयर प्रोग्राम डिड दे,
दूध है, इधर इज करेक्ट, कुछ भी लिखा होगा तो सही माना जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस का भी ध्यान रखना। इफ द स्टेटमेंट हैज वर्ड्स सच एज हार्डली बेयरली स्केसली रेयरली, seldom, few, little, neither, nothing, never, etc. मान लीजिए किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, hardly, barely, scarcely, rarely, seldom, few, little, neither, nothing, never, वगैरह वगैरह, तो इस स्टेटमेंट तो नेगेटिव हो जाएगा। देन यूज अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो उस सिचुएशन में जो आप क्वेश्चन टैग लिखेंगे ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक देखो इसी के जैसा क्वेश्चन और लिख देता हूं। हमने कहा इट हार्डली मैटर्स टू अस, इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर्स, इट हार्डली मैटर्स टू अस, हमने कहा इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन टैग, डज इट हो जाएगा, हार्डली लिख दिया नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, डज इट। सेकंड बेटा फिर से समझ लो, हमने पुट लिखा है, अब पुट को हम फर्स्ट फॉर्म माने या सेकंड फॉर्म माने कुछ नहीं पता। अगर कोई यहाँ पे टाइम का एक्सप्रेशन दिया होता, जैसे हमने लिखा दे सेल्डम पुट ऑफ देयर प्रोग्राम्स लास्ट ईयर फलाना ढिमकाना, ठीक है, तब तो हम इसको मान सकते थे कि सेकंड फॉर्म है। अभी ये फर्स्ट और सेकंड कुछ भी हो सकता है, तो चाहे डू दे लिख दो, डिड लिख दो, कुछ गलत नहीं होगा, जो लिखोगे उसके हिसाब से मीनिंग समझ लिया जाएगा। समवन हैज ब्रोकन द चेयर, neither was doing the work, ye sentence dekhna, someone has broken the chair, neither was doing the work, टैग क्या बनेगा। एक चीज देखो, एक और समझ लेते हैं। एक सेंटेंस लिखा जैसे एवरीवन हैज अराइव्ड, ये स्टेटमेंट लिखा, और इसके दो ऑप्शन हो गए। एक ऑप्शन हो गया ही हैज अराइव्ड, और एक हो गया दे हैव अराइव्ड। तो इन He has arrived और they have arrived में से कौन सा स्टेटमेंट वो है जो इसका सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है? They have arrived, he has तो नहीं है। हमें पता है he थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन है, जो कि किसी एक डेफिनेट पर्सन को रेफर करता है। यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं है क्या? और दूसरी बात, एक तो डेफिनेट नहीं है इसलिए ही नहीं लिख पाएंगे, दूसरा हम एवरीवन लिख रहे हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में, इसलिए इसके बाद सिंगुलर लिखी जाती है। बाकी एवरीवन कभी भी एक के लिए नहीं होता, एवरीवन तभी यूज होता है जब बहुत से लोगों ने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एवरीवन हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए तो यूज ही नहीं होता। तो हमें पता है कि एवरीवन का जो सब्स्टिट्यूट है वो है दे हैव अराइव्ड,
अब अगर मान लो कहीं पे एवरीवन लिखा हुआ है, एवरीबॉडी लिखा हुआ है, समवन समबडी लिखा हुआ है, नो वन नोबडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक तो क्लियर है कि एक सिंगल पर्सन की बात नहीं हो रही होगी, क्योंकि अगर एक पर्सन की बात हो रही होगी तब ही लिखा होता। तो अगर ये वर्ड समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबॉडी हमारे लिखे हुए हैं स्टेटमेंट में, तो क्वेश्चन टैग में जो हम इनके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही होना चाहिए, दे। ऑब्वियस बात है दे होना चाहिए, ये लिख दोगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा। तो अब क्वेश्चन टैग बनाओ, समवन हैज ब्रोकन द चेयर, क्या लिखूं? Hasn't क्यों लिखोगे? जब दे लिखोगे तो haven't लिखो, haven't दे। क्वेश्चन टैग का अपना सब्जेक्ट होता है, स्टेटमेंट का अपना सब्जेक्ट होता है। अब जब वहां पे सब्जेक्ट दे हो गया तो haven't लिखो, तो हम लिखेंगे someone has broken the chair, haven't दे। फिर हमने लिखा neither was doing the work, क्या जाएगा? Were they? Neither लिख दिया तो नेगेटिव तो ऐसे ही हो गया, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनना बनाएंगे। जब दे लिखेंगे तो was never आ जाएगा, तो हम लिख देंगे were they। लिखवाऊं कि तुम्हें याद रह जाएगा ऐसे ही? मान अगर स्टेटमेंट के सब्जेक्ट ये वर्ड्स हों जो कि अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, इधर नीदर एटसेट्रा, देन यूज दे प्रोनाउन इन द क्वेश्चन। क्योंकि ये सारे वर्ड भले सिंगुलर हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, लेकिन ये यूज तभी किए जाते हैं जब हमारा रेफरेंस प्लूरल हो। अगर सिंगुलर का रेफरेंस होगा तो यूज नहीं होगा। थोड़ा सा अजीब लगता होगा लेकिन सही यही होता है। नथिंग कैन मेक अप फॉर दिस लॉस, मेकअप फॉर भी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कंपेंसेट, ठीक है, नथिंग कैन कंपेंसेट फॉर दिस लॉस। समथिंग इज मिसिंग टुडे, समथिंग इज मिसिंग टुडे, आज कुछ गायब है। नथिंग कैन मेकअप फॉर दिस लॉस एंड समथिंग इज मिसिंग टुडे। अब देखो, अगर नोबडी या नोवन लिखा होता तब तो हम दे लिख देते, समबडी समवन लिखा होता तब भी दे लिख देते, अब क्या लिखें? इट, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन इट। तो अगर हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो नथिंग समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग, तो इट लिखिए, क्या लगेगा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बनेगा? कैन इट, नथिंग लिख दिया नेगेटिव हो गया, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव, नेगेटिव होता है ना, और वो पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। समथिंग इज मिसिंग टुडे, क्या लिखूं? इजंट इट, दोबारा बता देता हूं बच्चे, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज समथिंग नथिंग एवरीथिंग एटसेट्रा। अगर मान लीजिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, समथिंग नथिंग एवरीथिंग एनीथिंग, अगर ये हमारे स्टेटमेंट के सब्जेक्ट हो तो यूज इट इन द क्वेश्चन टैग, तो आप क्वेश्चन टैग में इट प्रोनाउन यूज करें। और अगर समबडी समवन हो, नोबडी नोवन हो, एनीबडी एनीवन हो, एवरीबडी एवरीवन हो, तब दे यूज करें।
नथिंग कैन मेक अप फॉर दिस लॉस कैन इट. There appears no relief. No relief. यानी कि यहाँ तो कोई आराम नहीं लगता होगा. One should do one's best. This is not your bag. Those were my friends. अब देखो जरा. There appears no relief. One should do one's best. This is not your bag, and those were my friends. देखो यहाँ पर जो हमारे लिए कोई क्वेश्चन हो सकता है ना, वो ये हो सकता है कि जैसे ही स्टेटमेंट के सब्जेक्ट जो वर्ड्स हैं, अगर हम इनको सब्जेक्ट बना दें, उस क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या वर्ड्स होंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि भाई अगर ये सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट हो जाए तो सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग हम क्या लिखें. कि जैसे अगर देयर है, वन है, दिस या दैट है, दीज या दोज हैं, अगर ये वर्ड्स हमारे स्टेटमेंट के सब्जेक्ट, तो हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट कैसे बनाएं. क्या हमने पहले कभी ये डिस्कस किया कि देयर एक एडवर्ब होता है? हाँ नहीं किया. और क्या, कुछ नहीं किया डिस्कस. आज जब से ये बैच बना तब से मौज ले रहे हैं यहाँ पे. कुछ पढ़े पढ़ाए थोड़ी पर जब लाई ले पढ़ाया होगा, जब लाई और ले का डिफरेंस समझ रहे होंगे, तो वहां पे नहीं पढ़ा था देयर इज लाइंग अ बुक ऑन द टेबल, पढ़ा था? पता ही नहीं. हाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है. देयर एक एडवर्ब होता है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जिसे हम एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज कर लेते हैं. अभी कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होता. हमने पढ़ा कि भाई क्वेश्चन टैग जो है उसमें हमें यूज करना है प्रोनाउन. प्रोनाउन का मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर यूज हो. अब देयर कोई नाउन तो है नहीं कि इसकी जगह पर कोई प्रोनाउन आ जाएगा, तो फिर इसका एक काम करना पड़ेगा, देयर ही लिख दो क्वेश्चन टैग में भी. अगर सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट देयर है ना, तो सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग भी देयर ही हो जाएगा, क्योंकि कोई प्रोनाउन इसको रिप्लेस नहीं कर सकता. प्रोनाउन नाउन्स की जगह पे यूज किए जाते हैं, ये नाउन नहीं होता. तो अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट देयर है तो क्वेश्चन टैग का भी देयर ही हो जाना है. अच्छा, ये जो वन होता है ना, ये प्रोनाउन होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है. लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही, सी, आई, इट, ये जब होते हैं ना, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो एक स्पेसिफिक पर्सन को रेफर करता है. जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन स्पीकर को रेफर करते हैं, यू सेकंड पर्सन लिसनर को रेफर करता है. स्पीकर लिसनर के अलावा जो बच जाते हैं, जिनके बारे में बात की जाती है, वो ही, सी, इट, दे हो जाते हैं. वे थर्ड पर्सन को रेफर करते हैं. लेकिन जो वन होता है ना, वो इन सबको एक साथ रेफर करता है. वन का मतलब कोई भी, चाहे स्पीकर हो, चाहे लिसनर हो, चाहे टॉक्ड अबाउट हो. अब हमने कहा वन शुड डू वंस बेस्ट. वन का मतलब कोई भी, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई और. तो चूंकि अब ये यूनिवर्सल पर्सन होता है, इसका ये सबको रेफर करता है, तो इसके लिए हम आई, वी, यू, ही, सी, इट तो लिख नहीं पाएंगे. वो तो स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज होते हैं, ये तो पर्सन जनरल है. तो फिर हम क्या करेंगे, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन है ना, तो क्वेश्चन टैग कभी वन ही लिख देंगे. तो
तो अगर हमारे किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट देयर हो या वन हो, तो जो हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसका भी सब्जेक्ट वही हो जाएगा। अच्छा, दिस दैट होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, इनके लिए इट लिख दो, दिस दोस्त के लिए दे लिख दो। तो अगर हमारे सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ये वर्ड्स हो जो कि अभी हैं, तो हम सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग उन वर्ड्स को बना देंगे। अब क्वेश्चन टैग बनाओ अपने, देयर अपीयर्स नो रिलीफ, क्या लिख देंगे, डस देयर, डस देयर हो जाएगा यहां पर। वन शुड डू वंस बेस्ट, स्टूडेंट वन, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ड भी होते हैं, इनको लिख दो, शुड नॉट वन लिख दो, दिस इज नॉट योर बैग इज इट, दोज आर माय फ्रेंड्स, वारंट दे, वन बॉय वॉज शाउटिंग स्लोगन, दिस वुमेन लिव्स इन आगरा, क्या इस वन में और उस वन में और इस दिस में उस दिस में कोई डिफरेंस है? बड़ा डिफरेंस है, वो वन वहां पे सब्जेक्ट है, ये यहां पे डिटर्मिनर है, वो दिस वहां पे सब्जेक्ट है, ये यहां पे डिटरमिनर है, यहां पे सब्जेक्ट है बॉय और वुमेन, यहां पे सब्जेक्ट है वन और दिस। तो अब देखो, अगर हम वन को या दिस को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तब तो क्या करना है वो हम समझ चुके हैं, लेकिन ये डिटरमिनर भी होते हैं भाई, वन एक न्यूमरल होता है, ठीक है, तो जब ये न्यूमरल होता है तब ये मतलब सब्जेक्ट होता नहीं है, तब इसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, तब हम प्रोनाउन यूज करेंगे उस नाउन के अकॉर्डिंग जिसके लिए से यूज किया गया। अब बॉय के लिए यूज करेंगे तो बॉय के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, तो क्वेश्चन टाइप हो जाएगा वाजंट ही, दिस वुमेन लिव्स इन आगरा, क्या जाएगा क्वेश्चन टाइप, डजंट सी, ये भी अपना ध्यान। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जैसे वन ऑफ द बॉय लिखे ना, अगर जैसे हमने लिखा ना वन ऑफ द वन बॉय वॉज शाउटिंग स्लोगन लिखा, अगर हम वन ऑफ द बॉयज लिख देंगे, ठीक है, तो वहां पे वारंट दे हो जाएगा, दे हो जाएगा, वो भी समझा दूंगा, लेकिन वन तब भी नहीं लिखना है क्योंकि वन दोनों केस में न्यूमरल होता है, वन जब न्यूमरल होता है, जब डिटर्मिनर होता है तब एक न्यूमरल होता है, इसका मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वन मतलब नंबर होता है वन एक, तो जब ये न्यूमरल है ना तब इसके अकॉर्डिंग वन नहीं लिखना है, वो वन अलग है, वो न्यूमरल नहीं है, वो किसी नंबर को रेफर करने के लिए वन नहीं लिखा गया, वो वन एक यूनिवर्सल प्रोनाउन है, तो इन दोनों का ध्यान देना, ये वन अलग है, वो वन अलग है। इफ दिस दैट एंड वन आर यूज एज सब्जेक्ट एज एडजेक्टिव, तो आप क्या कीजिए, यूज द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग अकॉर्डिंग टू द नाउन दे क्वालिफाइज, तो अगर दिस दैट और वन को हम कभी डिटरमिनर के तरीके से एडजेक्टिव के तरीके से किसी नाउन के साथ लिखकर यूज करें तो फिर जो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो उस नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा, ना कि इनके अकॉर्डिंग।
वो भी बता रहा हूँ, भी आ रहे हैं उस क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पे समझना, ये जो जैसे दिस दैट और वन है ना, इन्हीं का हमें ध्यान रखना, बाकी का ध्यान रखना नहीं है। देयर एडवर्ब होता है कभी सब्जेक्ट बनेगा नहीं, दिस दोज होते हैं वो मतलब कभी एडजेक्टिव बनेगा नहीं। दिस दोज को चाहे हम एडजेक्टिव के तरीके से यूज करें या सब्जेक्ट के तरीके से यूज करें, लिखना हर बार दे ही पड़ेगा। भाई मैंने दिस लिख दिया तब भी दे, दिस बॉयज लिख दूंगा तब भी दे ही रहना पड़ेगा। तो देयर एडजेक्टिव बनेगा नहीं, दिस दोज एडजेक्टिव बन जाएंगे तब भी यूज दे ही करना पड़ेगा, केवल दिस दैट और वन का ध्यान रखना। फिर हमने एक सेंटेंस लिखा, वन ऑफ देम हैज अराइव्ड दैट ईच ऑफ अस नोज यू। Some of you can do it. अब हमने ये स्टेटमेंट लिखा, वन ऑफ देम हैज अराइव्ड, ईच ऑफ अस नोज यू एंड सम ऑफ यू कैन डू इट। आप देखो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, जैसे ये जो हमने वन ऑफ देम ईच ऑफ अस से सम ऑफ यू लिखा ना, तो एक चीज हमें पता है कि जो ऑफ है ये पार्ट ऑफ द टोटल को रिलेट करता है, ये हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कभी, अगर नहीं किया तो यहाँ पे समझ लो। जैसे ये ए है और ये बी है, तो जब हम इनको रिलेट करेंगे तो ए ऑफ बी या बी ऑफ ए, बी ऑफ ए हुआ ना, तो इसका मतलब बी जो है वो ए का पार्ट है। तो ये जो वन ऑफ देम लिखा ना, ईच ऑफ अस लिखा, सम ऑफ यू लिखा, तो इसका मतलब ये ईच है, सम है, वन है, ये टोटल नहीं है, ये फ्रैक्शन है, ये पार्ट है, और टोटल वो आगे लिखा होता है। अब यहां पे समझने वाली बात है कि जैसे हमने सम ऑफ यू लिख दिया तो यू लिसनर होता है। अब मान लीजिए कुछ लोग हैं, ये हमारे लिसनर हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे लिए सेकेंड पर्सन है क्योंकि ये लिसनर है इसलिए। फिर इनमें से कुछ को हम अलग से रेफर करने लग गए, मान लो ये है वो, अब ये हमारे लिए क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। फिर से समझना मैंने जो पूछा है, ये टोटल लोग हैं जो हमारे लिसनर हैं और ये हमारे लिए सेकंड पर्सन है। फिर इनमें से एक फ्रैक्शन है जिसको हम अलग से रेफर करने लग गए, अब वो क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। हाँ एक दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं, इस बोरी में चावल है, इसमें चीनी है, इसमें आटा है। अब जिसमें चावल है उसमें से हमने निकाला तो क्या निकलेगा, अब आ गया बदतमीजी तो समझ में आ गया। अबे जब सेकंड पर्सन निकाला तो सेकंड पर्सन नहीं समझा, देखो भाई जिसमें चीनी है उसमें से निकालोगे तो चीनी निकलेगी, चावल वाले में से चावल निकलेगा, आटा वाले में से आटा निकल आएगा। ऐसा तो है नहीं कि चावल वाले में से निकाल लिया तो वो चीनी हो गया बाहर आके, चीनी वाले में से बाहर निकाला तो वो चावल हो गया, जो होगा रहेगा तो वही। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि अगर सेकंड पर्सन टोटल है तो उसका फ्रैक्शन भी सेकंड पर्सन ही माना जाएगा, अगर थर्ड पर्सन टोटल है तो उसका फ्रैक्शन भी थर्ड पर्सन ही रहना है, अगर फर्स्ट पर्सन टोटल है तो उसका फ्रैक्शन भी फर्स्ट पर्सन ही रहना है। तो इससे मतलब यह निकलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये सम ऑफ यू लिखा कि ऑल ऑफ यू लिखा, ठीक है। तो यहां पे हम चाहे सम ऑफ यू लिखें, चाहे ऑल ऑफ यू लिखें, चाहे मोस्ट ऑफ यू लिखें, चाहे वन ऑफ यू लिखें, चाहे टू ऑफ यू लिखें, चाहे मेनी ऑफ यू लिखें, चाहे फ्यू ऑफ अस लिखें, चाहे कुछ भी लिख दें, हाफ ऑफ यू लिखें, वन थर्ड ऑफ यू लिखें, वो यू के अकॉर्डिंग यू, एस के अकॉर्डिंग यू, दम के अकॉर्डिंग दे ही लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन टाइम बताओ क्या करेंगे, अगंट दे,
ईच ऑफ अस नोज यू, डोंट बी, डोंट बी आ जाएगा बच्चे, सम ऑफ यू कैन डू इट, कैंट यू, ये लोगे क्वेश्चन है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फ्रैक्शन क्या था, फर्क ये पड़ता है वो फ्रैक्शन था किसका, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन टैग में। दे के साथ डोंट आएगा, डस क्यों आएगा, विप्लल हो गया तो अब डोंट आएगा। लेकिन ये पहले वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा भी अजीब लग रहा है हमें, यहां पे लिखा था वन ऑफ देम, वहां पे लिख देते तो देखो अजीब लग रहा है, उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। आंसर तो सही है और समझ लेते हैं कि सही कैसे। मान लो आप किसी बस से कहीं जा रहे हो, ठीक है, और वहीं कोई आदमी किसी दूसरी बस से जा रहा है, आप जिस बस से जा रहे हो आपके साथ में बहुत से लोग और भी हैं, ये आदमी जिस बस से जा रहा है उसमें बस एक ही आदमी है। अब मान लो ये आप हो, ये वो आदमी है, जब इस आदमी की भी कट गई, जेब आपकी भी कट गई, मान लो ये बस बी है, ये बस ए है, कौन सी बस वाला कहेगा ही हैज पिक्ड माय पॉकेट, बी वाले कह पाएगा, ए वाले तो नहीं कह पाएगा, ए वाले को क्या कहना पड़ेगा, वन ऑफ देम हैज पिक्ड माय पॉकेट। अगर मैं वन ऑफ देम ना लिखूं, समवन लिख दूं, तब अभी वही बात है, वही बात है भाई, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट या वन ऑफ देम हैज पिक्ड माय पॉकेट, बात तो एक ही है। तो भले ही वो हमें सिंगुलर लग रहा हो कि वन हमने लिख दिया सिंगुलर है, लेकिन वो नोन थोड़ी है जो ही लिख दोगे, तो ही तो हम तभी लिखते हैं व्हेन वी नो हु और व्हाट वी आर रेफरिंग टू, कौन है जिसको हम रेफर कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं उनमें से कौन है, तो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट है, तो फिर जिसका फ्रैक्शन है वही मान लो, अभी थर्ड पर्सन है उनका फ्रैक्शन है तो थर्ड पर्सन ही हो गया। तो बोलने में जरूर अजीब लगता होगा वन ऑफ देम हैज अराइव्ड, कभी ही मत लिख देना, वो दे ही लिखना हर बार, क्योंकि तुम्हें पता नहीं वो वन कौन है। तो जैसे वो संबंध के लिए दे लिखा था, वैसे वन ऑफ देम के लिए भी दे हो जाएगा, बात तो एक ही, चाहे वन ऑफ देम लिखो चाहे संबंध लिखो, दोनों बार में इनडेफिनेट होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वन था कि टू था, पर किससे पड़ता है कि वो फ्रैक्शन था किसका, जिसका फ्रैक्शन था उसके अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा। दूसरा नहीं बताता मैं, एक बता दिया तो एक अपने आप भी समझ ले। फिर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, व्हेन दे अराइव्ड आई हैड डन द वर्क, they let him go for he was innocent. When they arrived, I had done the work and they let him go for he was innocent. अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो व्हेन दे अराइव्ड मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज, आई हैड डन द वर्क मेन क्लॉज, यहां पर फॉर ही वाज इनोसेंट कोऑर्डिनेट क्लॉज, और होता ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये हो गई कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गई मेन क्लॉज। तो इसका मतलब पहले वाला सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, बाद वाला कंपाउंड हो गया। अब मान लीजिए सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है, वो तो हम सीख ही रहे थे इधर से, कभी हमें किसी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना पड़ जाए। अब कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक मेन क्लॉज और दूसरा कोऑर्डिनेट या सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब क्वेश्चन टैग किसका बनाए, दो तो नहीं बना दोगे, मेन क्लॉज का। तो अगर कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो मेन क्लॉज वाले स्टेटमेंट का बनेगा। मेन क्लॉज जैसे आई हैड डन द वर्क, क्या हो जाएगा, हैडन्ट आई,
या जैसे हमने लिखा दे लेट हिम गो, अब ये लेट कौन सी फॉर्म होगी? अब तो सेकेंड ही होगी, फॉर ही वॉज इनोसेंटली लिखा हुआ है, पता नहीं चल गया पास्ट का थोड़ी, तो हम लिख देंगे डिडंट। फिर क्वेश्चन टैग ऐसे हो जाएंगे व्हेन दे अराइव्ड आई हैड डन द वर्क हैडंट आई, दे लेट हिम गो फॉर ही वॉज इनोसेंट डिडंट दे। इन केस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और अ कंपाउंड सेंटेंस, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना चाहते हैं तो मेन के मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग बनाइए, देन यूज द क्वेश्चन टैग अकॉर्डिंग टू द मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग यूज करें। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने पर जो मेन क्लॉज होगा उसका क्वेश्चन टैग बनाया जाएगा, ना कि सबॉर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज का। हाँ फॉर का मतलब बिकॉज, जो फॉर कंजंक्शन के तरीके से यूज करते हैं तो ये रीजन को रेफर करता है, दे लेट हिम गो उन्होंने उसे जाने दिया, क्या रीजन? रीजन ये ही वॉज इन ऑफ। We need no work, we need not work. देखो अब तक याद रह गया तो ठीक है, नहीं तो यहां से फिर से समझना। नॉट एडवर्ब होता है, नो एडजेक्टिव होता है, ठीक है? अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब ये नाउन है, अगर ये एडवर्ब है तो इसका मतलब ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब ये मॉडल है, और अगर वो नाउन है तो इसका मतलब वर्ब है। अब देखो जब नीड और डेयर मॉडल्स होंगे तब तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्वेश्चन टैग में लिख दो नीड भी, लेकिन जब वर्ब होंगे तब नहीं लिखना डू भी। तो ये क्वेश्चन टैग जाएगा वी नीड नो वर्क डू भी, वी नीड नॉट वर्क नीड भी। अब ये याद रहेगा कि ये भी लिखो, इफ नीड एंड देयर आर यूज्ड एज मॉडल्स देन यूज देम इन द क्वेश्चन टैग, then use them in the question tag. अगर need dare को हम models के तरीके से use करें तो आप उन्हें question tag में use कीजिए। तो need dare क्योंकि verb भी होते हैं models भी होते हैं, models होंगे तभी helping और होंगे तब तो हम question tag में लिख लेंगे, verb होंगे तब नहीं लिखेंगे। अब पता कैसे चलता है need dare कहाँ verb है कहाँ model, वो हम पढ़ते। Next sentence. I think it will not rain today. We hope he wins the match. अब यहाँ पे एक चीज देखना, मैंने लिखा आई थिंक इट विल रेन टुडे,
ठीक है, अब क्वेश्चन डेक बनाना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, लेकिन वास्तव में हम बता क्या रहे हैं, आई थिंक या इट विल रेन टूडे, इट विल, तो ये हमारे स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट नहीं, वॉन्ट इट, विल नॉट की कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म वॉन्ट होता है। कई बार होता है कुछ हम ऐसे स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें हम अपने ओपिनियन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आई फील इट, आई थिंक इट, ठीक है ना, आई जो भी है, तो उस तरीके से हमें ध्यान देना, जो स्टेटमेंट होता है एक्चुअल में हम उसके लिए क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, स्टेटमेंट जो है वो इट विल रेन टूडे, उसको लेकर हम सेकेंड पर्सन से रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं कि हमने किसी को बता दिया कि बारिश होगी, अब वो भी अपना ओपिनियन दे, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। फिर हमने लिखा आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट डूइंग इट, आंसर था बेटा Aren't I? You wasn't I? कौन? हाँ क्या हो जाएगा बेटा? चक्कर आ गया उसे बेटा, वो पीछे बेटा, क्या रहा है? पगला कह रहा है भाई, इसका तो खैर यही होगा। अब क्या होगा? एंड टू एंड कुछ नहीं होता। अब देखो सबसे पहले तो एक चीज समझना कि यहां पे अगर आ रहा है आर एंड टाई चिल्ला रहा है तब तो खैर गड़बड़ है, ये तो ऐसे एम आई से जगह, ये इसको आर एंड टाई लिखना पड़ेगा। हालांकि क्यों लिखना पड़ेगा देखो मैं समझा देता हूं, पहले से लिख लेना। इफ द सब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज आई एम, अगर किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आई एम हो, देन इट्स क्वेश्चन टैग इज आरंट आई, आरंट आई, अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उसका सब्जेक्ट आई एम तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट आई। हाँ बेटा, आई चेंज करो, आई क्यों चेंज करो, तो प्रोनाउन ही है उसे, वैसे लिखो, नाउन चेंज होकर प्रोनाउन हो जाता है। अब यहां पे एक चीज देखो समझते हैं, जैसे मैंने लिखा डू आई नॉट, और हम इसको अगर कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म में लिख देते हैं तो डोंट आई हो जाता है, हैव आई नॉट को कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हैवंट आई हो जाता है। Did I not का didn't I हो जाता है, ठीक है, am I not का, अब देखो am I not का क्या हो जाएगा अभी देखते हैं। पहले एक सेंटेंस मैंने लिखा I teach English, और मैं चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट I teach English का क्वेश्चन टैग लिख दूं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है do I not और एक है don't I, क्या लिखूं? I teach English एक स्टेटमेंट हो गया जिसका क्वेश्चन टैग हमें यूज करना है, इसका एक क्वेश्चन टैग मतलब एक ऑप्शन है हमारे पास डू आई नॉट, एक ऑप्शन है डोंट आई, कौन सा लिखूं? डोंट आई लिखना पड़ेगा, इवन डू आई नॉट लिख भी दूंगा ना तो गलत हो जाएगा, अगर यहां पे ऐसे लिखो ना आई टीच इंग्लिश डू आई नॉट तो वो गलत है, उसको डोंट आई लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि किसी भी क्वेश्चन टैग को हमेशा कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म, डू आई नॉट कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म नहीं है तो ये नहीं यूज होगा, एम आई नॉट की कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म ही नहीं होती। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे,
एम आई नॉट है, लेकिन हम इसे लिख नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन टैग में यूज करना है, क्वेश्चन टैग में तो कॉन्ट्रेक्टर फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी जो कि होती नहीं है। शायद ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया, नहीं तो एक बार यहां से फिर से समझ लेते हैं कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो स्लैंग है, मतलब स्टैंडर्ड यूजेज में है नहीं कहीं। जैसे अभी कोई बच्चा बोल रहा था एंट, एंट है, एमेंट है, ठीक है, मेंट है, मे नॉट के भी कॉन्ट्रेक्टर फॉर्म नहीं है, शायद हमने मॉडल्स में भी डिस्कस किया हो, फास्टली है, प्राउडी है, चीटर है, फाउंडेशन है, ये अक्सर वर्ड हम सुनते बोलते रहते हैं लेकिन एक्चुअल में है नहीं, ये स्लैंग यूजेस हैं लैंग्वेज के, मतलब स्टैंडर्ड यूजेस नहीं है। अब फाउंडेशन कोई वर्ड नहीं है, बाउंड एक वर्ड जरूर होती है, अब बाउंड एडजेक्टिव भी होता है, बाउंडेशन कुछ नहीं होता, बाउंड्री होता है, लिमिटेशन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, बाउंडेशन नहीं होता। चीटर जो होता है वर्ड नहीं होता, चीट जो वर्ड है ना यही नाउन है यही वर्ब है, चीट ही नाउन है, चीट ही वर्ब है, ही विल चीट यू, ही इज अ चीट, तो चीट वर्ब हो गया, चीट नाउन हो गया। प्राउडी वर्ड नहीं होता, प्राउडी होता है जो कि एडजेक्टिव है, नाउन भी होता है प्राउड, फास्ट एडजेक्टिव वर्ड दोनों होता है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, बाकी ये शॉर्ट फॉर्म्स होती नहीं है। अब जब हम समझ गए कि भाई होती नहीं है तो हमें पता कि प्रेजेंट टेंस में बी की तीन फॉर्म होती है जो यूज की जाती है, एमेंट होता नहीं कॉन्ट्रेक्टर फॉर्म में, हटा दो, इस जो है ये सिंगुलर फॉर्म है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए, आई होता फर्स्ट पर्सन, तो ये भी हटा दो, ये लिख दो, बट एमेंट होता नहीं कॉन्ट्रेक्टर फॉर्म में, इस थर्ड पर्सन की वर्ब होती है, आई फर्स्ट पर्सन होता तो आरएन लिख दिया। तो फिर जब हमें एमेंट की जरूरत पड़ती है ना तब हम इसे आरएन को यूज करते हैं, अगर हमें उसकी जरूरत ना पड़े तो हम कहीं नहीं यूज करें इसे। अब मान लो एम आई लिखना है तो वही सही हो जाएगा, जब एमेंट की जरूरत पड़ती है तब हम आरएन वहां पर लिख देते हैं। क्वेश्चन टैग भी टॉपिक छोटा होता है लेकिन खींच जाता है। लेट मोहन स्पीक, लेट मोहन स्पीक, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू, यू है, मोहन नहीं है, यू इंपेरेटिव सेंटेंस है, जैसे हम यहां पे लिखे ना कीप क्वाइट, ये दोनों ही हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, दोनों का सब्जेक्ट यू है, चाहे लिखे लेट मोहन स्पीक, चाहे लिखे कीप क्वाइट, चाहे लिखे प्लीज हेल्प मी, सब इंपेरेटिव सेंटेंस, वर्ब से शुरू होगा तो इंपेरेटिव होगा। अब एक चीज तो क्लियर ही है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, दूसरी बात एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि जैसे हमने इस इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा वर्क हार्ड, किसी को सलाह दी भाई वर्क हार्ड, तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है जो कि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है वर्क हार्ड, ये टाइम के कौन से पॉइंट को रेफर कर रहा है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? हां हां, अरे बोलना तो प्रेजेंट, गुड, बढ़िया। मान लो कोई आदमी है जो मेहनत करता है तो तुम उसे कहोगे वर्क हार्ड? नहीं कहोगे ना, किससे कहोगे? जो नहीं करता उसी से तो कहोगे ना, तो इसका मतलब ये जो एक्शन है जो हम मतलब सलाह किसी को करने के लिए दे रहे हैं ये इफेक्टिव प्रेजेंट में है, पास्ट में था या फ्यूचर में होगा? ये फ्यूचर होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं वो हमेशा फ्यूचर का रेफरेंस होते हैं। अगर मान लो प्रेजेंट में कोई आदमी चुप है तो तुम उसे कहोगे कीप इट, कोई चुप बैठा है उसे कहोगे कीप इट, अबे जो बोल रहा है उससे कहा जाएगा ना, तो इसका मतलब जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं हमेशा फ्यूचर का रेफरेंस होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट इनका यू होता है। अब तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्वेश्चन टैग विल यू होता होगा। अब यहाँ पे एक चीज और रहेगी कि भाई विल तो समझ में आ गया क्यों आया, यू भी समझ में आ गया क्यों आया, वांट क्यों नहीं आया? ये स्टेटमेंट्स नहीं है, ये ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारा स्टेटमेंट होता है ना उसको लेकर जो रिस्पांस होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंटीसिपेशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके क्वेश्चन टैग्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, स्टेटमेंट्स के नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, इसके हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, तो स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव रहेगा, स्टेटमेंट चाहे तुम्हारा नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
यू हमेशा सब्जेक्ट होता है, फ्यूचर का रेफरेंस होते हैं, तो क्वेश्चन टैग बन जाता है विल यू। द क्वेश्चन टैग ऑफ एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट, द क्वेश्चन टैग ऑफ एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट इज विल यू। कोई भी स्टेटमेंट अगर इंपेरेटिव होगा तो उसका जवाब क्वेश्चन टैग लिखोगे वो विल यू। कम हियर विल यू, गो देयर विल यू, वर्क हार्ड विल यू, कीप क्वाइट विल यू। अब जैसे हमने लिखा प्लीज हेल्प मी, अब देखो हालांकि है तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस, विल यू लिख देंगे तो सही हो जाएगा विल यू। लेकिन यहाँ पे कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कभी हम ज्यादा फॉर्मेलिटी शो करना चाहते हैं या पोलाइटनेस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, किसी ऐसी जगह पर है, तो वहां पर हम वुड यू या कुड यू भी लिख सकते हैं। ये हमने मॉडल्स में भी पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में वुड कुड माइट को यूज किया जा सकता है पोलाइटनेस वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम वुड यू कुड यू भी लिख सकते हैं। ही का मतलब है अगर वो लिखे तो वो भी सही है, विल यू लिखा तो वो भी सही है, गलत नहीं कर देना कहीं तुम सोचो ये गलत हो गया, टिक मार दो, डू तो गलत ही लिख दोगे क्योंकि इंटेंशन एक्सप्रेस किया जा रहा है यहाँ पे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो असर्शन थोड़ी होते हैं, ठीक है, असर्शन तो होते नहीं तो डू गलत हो जाएगा। हाँ मतलब फॉर्मेलिटी या पोलाइटनेस शो करनी होती तब ये काम करते हैं। अब एक चीज देखिए, हमने किससे कहा शट अप योर माउथ, बंद करो। अब देखो अगर विल यू लिख देंगे तो सही है, इंपेरेटिव सेंटेंस है विल यू तो हमेशा सही हो जाता है। लेकिन अगर वास्तव में हम अपना अनोयंस गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, वी आर अनॉयड एंड वी वांट टू लेट अदर्स नो इट दैट वी आर अनॉयड, ठीक है, या फिर हम किसी को रिक्वेस्ट अब नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं अपनी बात मानने के लिए, तो वहां पर हम वांट टू भी लिख सकते हैं, कांट टू भी लिख सकते हैं। मतलब ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो उसको गलत मत समझ लेना, इसलिए बता दे रहा हूं अलग से। तो अगर हमें गुस्सा वगैरह अपना जाहिर करना है तो वी कैन से दिस वे, सेट अप योर माउथ, कांट यू, वांट यू, धमका दिया मतलब से, वांट यू, नहीं मुंह बंद करोगे, आऊं, ठीक है। Let's take rest. क्या है उधर, राजेश खन्ना आ गया क्या है? इधर देखो काका तो है भी नहीं हमें लगता है? बच्चे अगला है तो तू इधर देख रहा है, तो अपना पढ़ाई कर। अच्छा एक चीज है, पर सेलिब्रिटी का जैसे बस ध्यान आया दिमाग में तो सबसे पहले राजेश खन्ना की इमेज आती है कि नहीं? नहीं मेरे जमाने का हट, मुझे तो सबसे पहले राजेश खन्ना का याद आता। आनंद मूवी देखी तुमने? राजेश खन्ना आनंद देखिए भाई, देखना मतलब गजब मूवी, मतलब अगर थोड़ा सा आदमी में इंसानियत है या वो है तो रो देगा एक बार देखकर, मतलब आंसू आ जाएंगे, ऐसी एक्टिंग है, ऐसी कहानी है, मतलब बहुत अच्छी मूवी है, एक बार आंसू तो आनेंगे, ठीक है। हाँ आनंद मूवी है, गाने तो गजब हैं, एक्टिंग का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये तेरे जमाने के, लेट्स टेक रेस्ट, लेट्स टेक रेस्ट। हाँ, अब यहां पे देखो जैसे जो हम लेट्स लिख देंगे तो इसमें क्या फर्क आएगा कि यहां पे सब्जेक्ट खुद भी इंक्लूड हो जाएगा,
अगर मैं लिख रहा हूँ लेट मोहन स्पीक, मोहन को बोलने दो, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट मैटर, यू को अलाउ करना है, मोहन को बोलना है, मैं तो केवल यू से कह रहा हूँ कैसे होने दो। लेकिन जब मैं कहूंगा लेट्स टेक रेस्ट, तो इसमें जो स्पीकर होता है ना वो खुद भी इन्वॉल्व हो जाता है। स्पीकर के खुद इन्वॉल्व हो जाने की वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट यू ना रह के वी हो जाता है। एक चीज, जैसे वो फ्यूचर का रेफरेंस है वैसे ये फ्यूचर का रेफरेंस है, जैसे वो इम्पेरेटिव है वैसे ये इम्पेरेटिव है। शैल वी, अगर तुम्हें अब तक ध्यान रहा तो ध्यान दें, हमने मॉडल्स में पढ़ा था कि शैल को हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, ये वही यूज है। तो जब हम शैल वी लिख रहे हैं ना, ये वही है। यहां पे ध्यान देना, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट इज लेट्स, देन इट्स क्वेश्चन टैग इज, देन इट्स क्वेश्चन टैग इज शैल बी, शैल बी। तो अगर हम किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट लेट्स को बना के लिख दें तो वहां पे सब्जेक्ट वी हो जाता है, उसकी वजह से फिर हमें शैल बी लिखना पड़ता है। लेट्स गो होम शैल बी, लेट्स वर्क हार्ड शैल बी, हाँ लेट अस होता है ना, वो स्पीकर आगे खुद भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए भी हो जाता है। एक साउथ इंडियन फिल्मों में कॉमेडियन है ब्रह्मानंदम, उसकी कॉमेडी वोडी देखी? मैं सही कह रहा हूँ, उस अकेले ब्रह्मानंदम की वजह से मेरी आदत पड़ गई थी साउथ इंडियन फिल्में देखने की, ठीक। और वो उधर का मतलब सेलिब्रिटी है, हीरो कोई भी हो, विलेन कोई भी हो, ब्रह्मानंदम होने होने है। और उसको मतलब हीरो के बराबर फुटेज मिलती है मूवी में, और कई बार तो इवन ज्यादा होता है कि हीरो को कम और उसको फुटेज ज्यादा मिलती है। नहीं देखी मूवी? कोई मूवी देखने उसकी, इतना गजब एक्टिंग करते हैं। अरे है, ब्रह्मानंदम नेट पर ढूंढना, मिल जाएगा। आज से पहले एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि अभी 10-5 मिनट में आज आपकी क्लास, थोड़ी लेट भी करूंगा इसलिए बता जा रहा हूँ। उससे पहले परेश रावल को मुझे मतलब कॉमेडी ज्यादा पसंद थी, लेकिन ब्रह्मानंदम देखा तो भाई उसके सामने तो सब फेल है, वो बहुत पक्का कार्टून है। उल्लू नंबर जेल में बंद होता है, उसका पुलिस वाले जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक दूसरा होता है पहले से जेल में बंद, तो उससे पूछा भाई तुम क्यों बंद हो? ब्रह्मानंदम उससे दूसरे कैदी से पूछा तू क्यों बंद है? तो कह रहा है यार मैंने नकली पासपोर्ट बना दिया। कह रहा तो बंद कर दिया, बताओ कलाकार की कोई इज्जत ही नहीं। कह रहा है तो कला है। कह रहा बताओ कलाकार को बंद कर दिया इन्होंने। फिर वो दूसरा कैदी इससे पूछता है, कहता चल मेरी तो कला थी इसलिए बंद कर दिया, तेरे को बंद कर दिया लाके? कह रहा आप भलाई का जमाना नहीं, क्या बताऊं? कह रहा बता दे। तो कहता कि एक माँ थी, अपने बेटे से कह रही थी बाहर मत जाइयो, गब्बर पकड़ लेगा, गब्बर पकड़ लेगा, ठीक है। बच्चा बाहर आ गया, तो मैंने सोचा अगर मैंने इसको नहीं पकड़ा तो इसका अपनी माँ से भरोसा उठ जाएगा कि माँ झूठ बोल रही थी, कहीं पकड़ा नहीं गब्बर ने। तो कह रहा मैं उसको पकड़ ले गया, और कह रहा उसकी माँ ने फोन करके पुलिस से मुझे पकड़वा दिया, बताओ भलाई का जाना है। पागल इतना बच्चे, कह रहा भलाई का जमाने ही नहीं है। मैंने सोचा इसकी माँ पे से इसका भरोसा उठ जाएगा कि माँ झूठ बोलती है, तो मैंने पकड़ लिया बच्चे को, ले गया उसको, तो उसने कहा किडनैप कर लिया मेरे बेटे को, पकड़वा दिया मुझे ना। चलो क्या याद किया मतलब उसके, तो मैंने कई वीडियो डाउनलोड करके अपने उसमें मैकबुक पर रखे हुए हैं, खाली टाइम देखते रहे। इससे पहले परेश रावल पसंद था, परेश रावल का भी है, जैसे वो एक मूवी है पता नहीं, अक्षय के साथ तो उसकी बहुत सी मूवीज है मुझे लगता है। एक कोई है उसमें आफ्ताब शिवदासनी भी होता है, और उसमें ये बाहर के विदेश में रहते हैं वो, आरा पागल देना है। तो उसमें पहले इसको पता नहीं होता कि मतलब क्रिमिनल है अक्षय कुमार, तो उसको धमका उमका देता है कि शहर से आकर मेरा दिमाग तुरंत गर्म हो जाता है फलाने फलाना। तो एक दिन इसको पकड़ता है, वो कहता है उस दिन क्या कर रहा था, तो तेरा दिमाग गर्म हो जाता है, कहता फिर ठंडा भी हो जाता तुरंत। कितना पागल। चलो क्या ये तुम लोग रिचार्ज किए गए अगले 15 मिनट के लिए? डब्बा सा मुंह ऐसे मत हजा कर, लोगों का भरोसा उठ जाएगा मजाक पर से। चलो खैर, एक साइन हमने लिखा
दे हैड नो मनी वी यूज्ड टू गो देयर ही ought to stay here. She will teach science. She will be teaching science. He had better not disturb us. They had no money. We used to go there. He ought to stay here. She will teach science. She will be teaching science. She had better not disturb us. सबसे पहले स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग. अच्छा एक चीज बताना, ये हेड वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? वर्ब है. रीड दे. जरा इसका भी क्वेश्चन टैग बनाना. तो एक चीज बता दूं, ये आर भी वर्ब है. दे आर हैप्पी. डोंट दे? आरंट दे? आरंट भैया, मुझे पता था जनरलाइज कर लोगे. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो बी की फॉर्म्स होती है ना, इंडेफिनिट टेंस में इनकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती. बी की फॉर्म्स की इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती. यही वर्ब होती है, यही हेल्पिंग वर्ब होती है. एक चीज ऐसा समझना, मैंने कहा ही हैज मनी और मैंने कहा ही इज हैप्पी, तो हमें पता है कि ये हैज और ये इज दोनों ही वर्ब है. अगर इनके नेगेटिव बनाना तो ही हैज नॉट मनी लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? ही डजंट हैव मनी, यही तो लिखोगे ना. ही डज नॉट हैव मनी, इसमें तो ऐसे हो जाएगा ही इज नॉट हैप्पी. तो ये केवल ये समझाने के लिए कि जो बी की फॉर्म्स होती हैं और हैव की फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म्स का इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, लेकिन हैव की फॉर्म्स का ऐसा नहीं होता. एक तो तरीका ये नेगेटिव से हम जान जाते हैं. दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका क्वेश्चन बनाना है, तब जैसे ही हैज मनी है, इसका क्वेश्चन बनाना है, तो क्या लिख दोगे? हैज ही मनी? हैज ही मनी तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डज ही हैव मनी. लेकिन यहां पर इज ही हैप्पी. जो बी की फॉर्म्स होती हैं, अगर वो इंडेफिनिट टेंस में वर्ब है, तब तो हम उन्हीं को क्वेश्चन टैग में भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी कोई हेल्पिंग और वास्तव में होती नहीं है. लेकिन हैव की फॉर्म्स का ऐसा नहीं होता. तो दे आर हैप्पी का क्वेश्चन टैग तो आरंट दे हो जाएगा, लेकिन दे हैड नो मनी का आरंट दे हैड एंड दे नहीं होगा, इसका हो जाएगा डिड दे. क्वेश्चन नंबर टू, वी यूज्ड टू गो देयर. अब देखिए यूज्ड टू मॉडल है, कहते से तो हमें यूज नॉट टू वी लिख देना चाहिए, लेकिन वो बोलने में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो इसकी जगह लिख दो डिडंट वी. डिडंट वी तो जो यूज्ड टू होता है वो भी पास्ट की हैबिट को रेफर करता है, और हमने पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी वो काम करता है, तो उसकी जगह डिड लिख दो. उसी तरीके से यहां पर जैसे हमने कहा ही ऑट टू स्टे हियर, ऑट टू मॉडल है, ऑट नॉट टू ही लिख देना चाहिए, लेकिन इससे भी बेहतर अगर हम शुड लिख दें, स्टूडेंट ही. तो यहां पर ध्यान देना, जैसे यूज टू है और ऑट टू है, ये मॉडल जब यूज करते हैं ना हम स्टेटमेंट में, तो क्वेश्चन टैग में इनको ना यूज करके बड़ा ऑकवर्ड स्ट्रक्चर होता है, हम डिंट या स्टूडेंट यूज कर लेते हैं. She will teach science. Won't she? Will helping verb था, इसी को हमने लिख दिया won't she. अब आया she will be teaching science. अब क्या लिखें? Won't she? कोई फर्क नहीं पड़ता.
देखो यहाँ पे एक मेन वर्ब हो गई टीच और एक हेल्पिंग वर्ब हो गई विल। यहाँ पे एक मेन वर्ब हो गई टीचिंग और दो हेल्पिंग वर्ब हो गई विल बी। जो क्वेश्चन टैग होता है ना उसमें हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ब के साथ में हम दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब लिख रहे होते हैं, क्वेश्चन टैग में पहली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसका मतलब ये होता है कि हम चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट बनाए, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाए, चाहे फ्यूचर परफेक्ट बनाए, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाए, सबका क्वेश्चन टैग एक ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई टेंस चेंज कर लें फ्यूचर का, चाहे विल टीच लिखें, चाहे विल बी टीचिंग लिखें, चाहे विल हैव टॉट लिखें, चाहे विल हैव बीन टीचिंग लिखें, क्वेश्चन टैग एक ही बनना है, वॉन्ट। अब यहाँ जाओ, अगर ये हमने पहले डिस्कस किया तो ठीक है, नहीं तो याद रखना कि जो हैड बेटर है ना ये मॉडल हैड बेटर वुड रादर, वुड बेटर हैड रादर वुड रादर, ये मॉडल्स हैं। मॉडल होने की वजह से ही नॉट बाद में लिखा गया। तो अगर हमने नॉट यहाँ पे लिखा इसका मतलब ये डिस्टर्ब वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या हैड बेटर दोनों को लिखें? हैडेंट, केवल हैडेंट लिखो? नहीं, अच्छा हैड नॉट क्यों लिखोगे, हैड ही। तो अगर हैड बेटर वुड बेटर हैड रादर वुड रादर, या मतलब कोई भी ऐसा मतलब हम वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करें जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड हो, तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है क्वेश्चन टैग में। तो हैड बेटर पूरा ना लिखे, केवल हैड। और देखो क्वेश्चन टैग तो खींच गया। हाँ they have got selected so their friend has hurry correct the statement they have got selected so their friend has। अब यहां पे एक चीज समझना, देखो थोड़ा सा ना हमारे स्ट्रक्चर चेंज हो गया इस बार। इस बार हमने स्टेटमेंट तो लिखा है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद इस बार क्वेश्चन टैग नहीं लिखा, कुछ और ही लिख दिया। ये जो कुछ और लिख दिया ना, इसको समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को बात बताई, हमने किसी को बताया दे हैव गॉट सिलेक्टेड, फिर हमें ध्यान आया कि इसी से रिलेटेड हमारे पास और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ना केवल वो सिलेक्ट हुए बल्कि उनका दोस्त भी हो गया। अब उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए एक तरीका तो है कि हम फिर से नया सेंटेंस बना के लिखें, या दूसरा तरीका है कि हम उस नई इंफॉर्मेशन को इस सेंटेंस में ऐसे ही ऐड कर दें। तो वो क्वेश्चन टैग नहीं, वो एडिशन टू स्टेटमेंट है जो इस बार हमने कॉमा के बाद लिखा है। इससे पहले हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे तो क्वेश्चन टैग लिखा जा रहा था, इस बार फुल स्टॉप लगा रखा है, तो ये एडिशन टू स्टेटमेंट है। छोटा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट का, इसको समझ लो। हाउ टू फॉर्म एडिशन टू स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट हमारे पास है और उस स्टेटमेंट में हम फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो कैसे करें? तो देखिए, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और हम उसमें फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करना चाहते हैं तो सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये सो यहाँ पे एडवर्ब होता है, सो एडवर्ब होता है, इसीलिए इसका इन्वर्जन यूज करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखकर। अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव हो, अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव तो हम नीदर या नॉर में से कोई एक यूज कर लेते हैं, ध्यान देना कोई भी, फिर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। ये नीदर नॉर भी यहाँ पे सब्जेक्ट एडवर्ब के तरीके से काम करते हैं, तो इनके साथ में हमें इन्वर्जन लिखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव है पॉजिटिव हो, जब एडिशन टू स्टेटमेंट बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब लिखनी सब्जेक्ट से पहले पड़ेगी। अब सो आएगा या नीदर नॉर आएगा वो डिपेंड करेगा कि स्टेटमेंट कैसा था, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या गलत हो गया सेंटेंस में? सो हैज देयर फ्रेंड, वो सेलेक्ट हो गए साथ ही साथ में उनका फ्रेंड भी हो गया। वी नो लिटल अबाउट इट, कैसी दे आर वेटिंग फॉर
फॉर द बस डैश आई. ही कट द ट्री डैश दे. I seldom they cannot speak English as you. ये फोर स्टेटमेंट्स हैं. नया सब्जेक्ट कौन सा लिखना वो मैंने पहले ही लिख दिया है, तुम्हें केवल ब्लैंक्स फिल करने. क्या आएगा फर्स्ट में? सो आएगा कि निधर आएगा? अच्छा तो लिटिल नेगेटिव हो गया ना, तभी तो नेगेटिव निधर लिखना. अभी इनके दिमाग में क्वेश्चन टैग ही बैठा है, तो हम लिख देंगे निधर डू बी. नेगेटिव स्टेटमेंट तो निधर है, नॉर्मल से कोई एक पॉजिटिव है तो सो. अच्छा ही लिखाना, डज आएगा, डज ही. दे आर वेटिंग फॉर द बस. So am I. He cut the tree. Cut लिखा second form है. So did they. They can't speak English. Nor can you. Nor can you या फिर neither can you. Sentence number 5. He cannot swim. बट आई डैश क्या लिखूं यहां पे? भाई हमने कहा ही कैन नॉट स्विम बट आई डैश. एक काम करो. हाँ ठीक है, ही कैन नॉट स्विम बट आई कैन. बट लिखा तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन करना पड़ेगा. अब इधर नेगेटिव लिखा तो इधर पॉजिटिव कर देंगे. यहां पे कैन लिखा हो ही कैन स्विम, तो हम यहां पे कैंट लिख देंगे. चले तो सही हो जाएगा. फिर अगर सेंटेंस ऐसे लिख दिया जाए, ही कैन नॉट स्विम एंड आई डैश. आई ऑल्सो नेगेटिव वही है, ऑल्सो पॉजिटिव में यूज होता है. ऑल्सो टू दोनों पॉजिटिव में यूज होते हैं. ये नेगेटिव है, ही कैन स्विम एंड आई डैश. कायदे से तो हमें लिख देना चाहिए नॉर कैन आई, ये लिखना चाहिए. लेकिन नॉर कैन आई कैसे लिख पाओगे, आई सब्जेक्ट पहले लिख दिया. अब देखो एक चीज समझना, एक चीज तो क्लियर ही हो गई कि ये एडिशन टू स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट में फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं. अब नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इनके एडिशन टू स्टेटमेंट दो तरीके से लिखे जा सकते हैं. सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, अब प्लस इधर तो ये हो जाएगा ही कैंट स्विम एंड आई कैंट इधर. तो ऑल्सो ये टू नहीं यूज कीजिए, इधर यूज कीजिए. ही कैंट स्विम एंड आई कैंट इधर. वो स्विम नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता. कैनेडा does not require US citizens to have visa and that. प्रीवियस ईयर पेपर्स की तैयारी करते रहोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा. कैनेडा डजंट रिक्वायर यूएस सिटीजन्स टू हैव वीजा एंड
मैक्सिको डज नीदर नीदर मैक्सिको डज सी मैक्सिको डजंट नीदर डी मैक्सिको डजंट अब हमने कहा जैसे कोई यूएस सिटीजन अगर कनाडा जाए ना तो उसको वीजा की कोई जरूरत नहीं है, उसी तरीके से अगर मैक्सिको जाए तो वहां भी जरूरत नहीं है। मतलब उसी स्टेटमेंट के मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर रहे हैं, सिमिलर इन्फॉर्मेशन है तो हमने सोचा उसी में लाओ ऐड कर दें। कहां से नया सेंटेंस बनाएंगे? कनाडा डज नॉट रिक्वायर यूएस सिटीजन्स टू हैव वीजा एंड मैक्सिको डज। क्या लिख दो? डी आ जाएगा। या तो लिखा होता नीदर डज मैक्सिको, जो कि कहीं लिखा नहीं है, तो आंसर हो गया मैक्सिको डजंट इधर। ये सोचने वाली बात है क्यों नहीं? व्हीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ले इज नीदर। ये दोनों पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपको लास्ट में लिखा है। Wheat is not native to India and barley is neither. अब हमने कहा जैसे जो गेहूं है ना ये इंडिया का अपना मतलब यहाँ का मतलब नेटिव नहीं है और ये मिडिल ईस्ट से लाया गया शायद, ठीक है। उसी तरीके से बार्ले वो भी यहाँ का नहीं है, वो भी बाहर से आया। अब ये एडिशन टू स्टेटमेंट हो गया, एडिशन टू स्टेटमेंट हो गया तो या तो लिखो बार्ले इजंट इधर, या फिर क्या लिख दें नीदर इज बार्ले। तो पॉजिटिव तो खैर सही है, उसमें तो बस हेल्पिंग और की पोजीशन ही गलत करके आती है। नेगेटिव को ज्यादा समझना पड़ेगा, इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, नीदर इज बार्ले, बार्ले इजंट इधर। बाकी तुम लोग वास्तव में बड़े मेहनती हो। क्वेश्चन टैग खत्म हो गया, ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड टॉपिक होता है एडिशन टू स्टेटमेंट, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। कल कुछ नया करेंगे, आज के लिए बाय।